हरियाणा के सभी विद्यार्थियों का इस व्यक्ति विशेष सीरीज में हार्दिक स्वागत है आज हम एक व्यक्ति विशेष से संबंधित सीरीज शुरू करने जा रहे हैं यह है सीरीज सामान्य ज्ञान की दृष्टि से या हरियाणा की एचएसएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाली है तो आज हम जिस व्यक्ति विशेष के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं उसे भारत में उसे पाकिस्तान में जमींदारों का मसीहा कहा जाता है क्योंकि इन्होंने लगातार जमींदारों के लिए गरीबों के लिए संघर्ष किया है इन्होंने यहां तक कि श्रमिकों के लिए बहुत सारे कानून बनवाए थे बहुत सारे नियम बनवाए थे बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं हम सर चौधरी छोटूराम की बात करने जा रहे हैं अगर हम चौधरी छोटूराम की बात करें तो इनका जन्म चौबीस नवंबर अठारह को रोहतक के गडी सांपला गांव में हुआ था जिसे वर्तमान में सर छोटू नगर के नाम से जाना जाता है अगर इनके उपनामों की बात की जाए तो इन्होंने जमींदारों के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया इसीलिए इन्हें जमींदारों का मसीहा कहा जाता है इन्हें नैतिक साहस की मिसाल कहा जाता है इन्हें बचपन में रिचपाल भी कहते थे और परिवार में सबसे छोटे होने के कारण अपने भाई बहनों में सबसे छोटे होने के कारण इन्हें सारे घर पर छोटू कहकर पुकारते थे इसी कारण इनका नाम छोटू राम पड़ गया और इनके पिताजी का नाम खुशीराम था एच की प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो एच ने सिर्फ इन्हें चार तथ्यों से जो अब तक हमने देखे हैं इन्हें चार तथ्यों से दो प्रश्न उठा लिए हैं जैसे कि पहला प्रश्न चौधरी छोटूराम का जन्म कब हुआ ऑप्शन थे ऑप्शन ए 1879, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1883 और ऑप्शन डी 1885 और एच ने इसका आंसर 1881 माना है ऑप्शन बी माना है और प्रश्न दूसरा है हरियाणा में जमींदारों का मसीहा किसे कहा जाता है चौधरी देवीलाल चौधरी भजनलाल लाल चौधरी चरण सिंह या चौधरी छोटू राम और इसका आंसर एच .E. ने ऑप्शन डी माना है चौधरी छोटू राम माना है अब हम चौधरी छोटू राम जी की शिक्षा की बात करेंगे चौधरी छोटू राम जी ने अपनी प्राइमरी शिक्षा मिडिल स्कूल झज्जर से प्राप्त की थी इन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा क्रिश्चियन मिशन स्कूल दिल्ली से प्राप्त की और जब ये क्रिश्चियन मिशन स्कूल में थे उस समय इन्होंने छात्रावास प्रभारी के विरुद्ध हड़ताल कर दी थी और इसी कारण इन्हें सभी छात्रावास में रॉबर्ट जनरल के नाम से पुकारने लगे थे और इन्होंने 1903 में बारहवीं कक्षा यानी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पास की और 1905 में इन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज से स्नातक की शिक्षा पास की थी और 1905 में जब ये सेंट स्टीफन कॉलेज से स्नातक की शिक्षा पास की तो ये कलांकर के राजा के पास चले गए और उन्होंने चौधरी छोटू राम को अपने सह निजी सचिव के रूप में रख लिया चौधरी छोटू राम यहां पर निजी सचिव के तौर पर कार्य करते हुए इन्होंने यहीं से हिंदुस्तान समाचार पत्र का संपादन किया जो एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था और कलांकर के बाद ये 1907 में यहां से वकालत की डिग्री प्राप्त करने के लिए आगरा चले गए और आगरा से इन्होंने वकालत की डिग्री 1911 में प्राप्त की थी अब तक हमने जो चौधरी जी की शिक्षा से संबंधित बात की है तो एचएसएससी ने यहां से भी दो प्रश्न उठा लिए हैं जैसे कि पहला प्रश्न सर चौधरी छोटूराम ने हिंदुस्तान समाचार पत्र का संपादन किस भाषा में किया तो एच के द्वारा इस प्रश्न के ऑप्शन दिए गए ऑप्शन ए हिंदी ऑप्शन बी उर्दू ऑप्शन सी अंग्रेजी और ऑप्शन डी था संस्कृत एच .E. के द्वारा इसका सही जवाब अंग्रेजी माना गया ऑप्शन सी माना गया और दूसरा प्रश्न था चौधरी छोटू ने वकालत की डिग्री कब प्राप्त की ऑप्शन ए 1903 ऑप्शन बी 1911 ऑप्शन सी 1915 और ऑप्शन डी 1907 तो के द्वारा इसका सही ऑप्शन 1911 माना गया है ऑप्शन है बी माना गया है अब हम चौधरी छोटूराम के करियर की बात करेंगे और करियर में देखें तो चौधरी छोटू ने अपने करियर की शुरुआत वकालत से की थी इन्होंने वकालत की शुरुआत 1912 में चौधरी लालचंद के साथ मिलकर की और इसी वर्ष यानी 1912 में इन्होंने जाट सभा का गठन किया था और 1913 की बात करें तो 7 सितंबर 1913 में इन्होंने जाट हाई स्कूल की स्थापना रोहतक में की और 1915 तक आते आते इन्होंने जाट गजट नामक एक उर्दू अखबार भी निकाला था और इसी अखबार के माध्यम से ये किसानों की बात सभी लोगों तक पहुंचाते थे मतलब किसानों का जो शोषण हो रहा है उसका प्रचार प्रसार करने का कार्य चौधरी छोटू राम ने जाट गजट नामक अखबार से किया था जाट गजट अखबार में किसानों के शोषण का प्रचार प्रसार करने के कारण चौधरी छोटूराम पूरे हरियाणा में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो चुके थे इसी कारण रोहतक जिला कांग्रेस कमेटी का 1916 में इनको अध्यक्ष बना दिया गया लेकिन 1920 तक आते आते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी और इसी असहयोग आंदोलन से असहमत होकर इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और अपनी एक नई पार्टी बना ली और उसी पार्टी को हम यूनियनिस्ट पार्टी के नाम से जानते हैं यूनियनिस्ट पार्टी की बात करें तो इस पार्टी का गठन 1923 में चौधरी छोटू राम ने फजली हुसैन के साथ मिलकर किया था और इस पार्टी ने पंजाब में सर्वाधिक सीटें जीतकर रिकॉर्ड जीत दर्ज करवाई और इसने पंजाब में अड़तीस सीटें जीती थी उन्नीस तक आते आते पंजाब में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए और इसी चुनाव में सिकंदर हयात के नेतृत्व में इस पार्टी ने पंजाब में सरकार बना डाली थी अब तक हमने चौधरी छोटू राम के जो करियर के ऊपर बात की है इस करियर के ऊपर एच ने तीन प्रश्न पूछ लिए हैं पहला प्रश्न चौधरी छोटूराम ने जाट गजट नामक समाचार पत्र का संपादन कब किया और एच के द्वारा जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें से ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1913, ऑप्शन सी 1914 और ऑप्शन डी 1915। और एच ने इसका बिल्कुल सही जवाब माना है ऑप्शन डी 1915। सौ के द्वारा जो दूसरा सवाल पूछा गया चौधरी छोटूराम ने चौधरी छोटू राम ने जाट हाई स्कूल की स्थापना कब की ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1913, ऑप्शन सी 1921 और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं और एच के द्वारा इसका बिल्कुल सही जवाब माना गया है 1913। सौ के द्वारा जो तीसरा सवाल पूछा गया कि चौधरी छोटू राम के द्वारा यूनियनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया 1923, 1924 1921 या 1927 तो इसका बिल्कुल सही जवाब के द्वारा ऑप्शन ए को माना गया है 1923 को अगर हम चौधरी छोटू के योगदान की बात करें कि इनका भारतीय राजनीति में क्या योगदान रहा है तो इन्होंने बहुत सारे कानून पास करवाए थे जो श्रमिकों से संबंधित थे जो किसानों से संबंधित थे जो कर्ज माफी से संबंधित थे जैसे इन्होंने सबसे पहले 1930 में दो कानून पास करवाए थे पहला कानून पंजाब रिलीफ इंडिपेंडेंस एक्ट उन्नीस और द पंजाब डेबर्स प्रोटेक्शन एक्ट उन्नीस इन दोनों कानूनों की बात की जाए तो दोनों कानूनों में कर्ज का निपटारा ब्याज व किसानों के मूलभूत अधिकारों से जुड़े हुए प्रावधान थे चौधरी छोटूराम ने 1938 में साहूकार पंजीकरण एक्ट पास करवाया था और यही साहूकार पंजीकरण एक्ट दो सितंबर 1938 को लागू हुआ और इस एक्ट के अंदर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ था कि कोई भी साहूकार बिना पंजीकरण के कर्ज नहीं देगा और इसके बाद गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी एक्ट 1938 पास करवाया जो नौ सितंबर 1938 को लागू हुआ था इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ था कि 8 जून 1901 से लेकर आगे सैंतीस वर्षों तक जो जमीन गिरवी चली आ रही है कुर्की में बेची गई है वो ज़मीनें किसानों को मुफ्त में वापस दिला दी इसके बाद चौधरी छोटू राम ने कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम 1938 बनवाया जो 5 मई उन्नीस को लागू हुआ था और इस अधिनियम में किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलवाने का नियम बनाया गया था इसके बाद छोटू राम ने व्यवसाय श्रमिक अधिनियम 1940 बनवाया जो 11 जून 1940 को लागू हुआ था और इस अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाना था इसमें श्रमिकों से संबंधित कुछ कानून बनाए गए जैसे किसी भी श्रमिक से सप्ताह में इकसठ घंटे से ज्यादा कार्य नहीं करवाया जा सकता जबकि एक दिन में किसी श्रमिक से ग्यारह घंटे से ज्यादा कार्य नहीं करवाया जा सकता इसके अलावा किसी चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चे से आप मजदूरी नहीं करवा सकते कोई भी श्रमिक है उसे साल में चौदह छुट्टियां दी जाएगी और इसके साथ साथ रविवार को दुकानें बंद रखने व्यावसायिक संस्थाएं बंद रखने का भी नियम बनाया गया इसके बाद चौधरी छोटू ने कर्जा माफी अधिनियम उन्नीस बनवाया और यह कर्जा माफी अधिनियम चौधरी छोटूराम ने 8 अप्रैल 1935 को लागू भी करवा दिया था यह अधिनियम बहुत खास अधिनियम था क्योंकि इसमें किसानों व मजदूरों को सूदखोरों के चंगुल से मुक्त करवाने के प्रावधान थे इस अधिनियम के तहत दाम दुपट्टा को भी लागू करवा दिया गया था क्योंकि दाम दुपट्टा के तहत दुधारू पशुओं की नीलामी नहीं की जा सकती थी जो भी किसान जो भी मजदूर सूदखोरों से कर्ज लेते थे और जब वे उस कर्ज को वापिस नहीं कर पाते थे तो सूदखोर उनकी जमीन की उनके पशुओं की नीलामी कर देते थे और अब जैसे ही यह अधिनियम लागू हुआ तो उनके दुधारू पशुओं की नीलामी नहीं की जा सकती थी चौधरी छोटू राम ने श्रमिकों के लिए किसानों के लिए बहुत सारे कानून बनवाए और उनको लागू भी करवाया लेकिन चौधरी छोटूराम यहीं पर नहीं रुके उन्होंने किसानों की कृषि के लिए भी बहुत सारे समझौते किए बाखड़ा बांध प्रोजेक्ट समझौता बाखड़ा बांध प्रोजेक्ट समझौते की बात करें तो चौधरी छोटू राम ने उन्नीस में बिलासपुर के राजा के साथ बाखड़ा बांध प्रोजेक्ट पे समझौता किया था और इसी कारण इन्हें बाखड़ा बांध प्रोजेक्ट का जन्मदाता कहा जाता है यह सारी हमने चौधरी छोटूराम के योगदान की बात की कि इनका भारतीय राजनीति में क्या योगदान रहा है एचएसएससी के द्वारा इस योगदान में से एक प्रश्न बनाया गया है कि भारत में बाखड़ा बांध का जन्मदाता किसे कहा जाता है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू को ऑप्शन बी चौधरी छोटू राम को ऑप्शन सी ए व बी दोनों और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं और एचएसएससी ने इसका सही जवाब ऑप्शन बी माना है चौधरी छोटू राम माना है याद रखें जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए समझौता नहीं किया था जवाहरलाल नेहरू तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बाखड़ा बांध का उद्घाटन किया था बाखड़ा बांध को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी इन अधिनियमों से स्पष्ट होता है कि चौधरी छोटूराम का भारत की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान रहा है इन्होंने किसानों से संबंधित श्रमिकों से संबंधित बहुत सारे कानून पास करवाए थे और जब ये कानून पास करवा रहे थे उसी समय इन्होंने किसानों से संबंधित एक कथन कहा था भोले से किसान अपनी ताकत को जान ले बोलना ले सीख और दुश्मन को पहचान ले। और याद रखें चौधरी पर बातें कम काम ज़्यादा वाली बात भी बिल्कुल सही चरितार्थ होती है क्योंकि ये बातें कम करते थे और कार्य ज्यादा करते थे काम ज्यादा करते थे इसीलिए इन्होंने बहुत सारे अधिनियम पास करवा दिए इसी कारण अंग्रेज सरकार इनसे डरती थी लेकिन जो व्यक्ति बहुत बढ़िया कार्य करता है सच्चे मन से कार्य करता है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होता है भगवान भी उसे अपने पास जल्द ही बुला लेता है 9 जनवरी 1945 को त्रेसठ वर्ष की उम्र में इनकी लाहौर में मृत्यु हो गई लेकिन इनकी पत्नी ज्ञानो देवी के कहने पर इनका अंतिम संस्कार रोहतक के गौकर्ण तालाब में चंदन की लकड़ी व देसी घी से किया गया अब तक हमने चौधरी छोटूराम की शिक्षा पर करियर पर योगदान पर कथन पर मृत्यु पर बातें की है लेकिन छोटू राम ने इन सब से हटकर कुछ लेख भी लिखे थे जैसे मोर बचाओ बेचारा जमींदार पाकिस्तान जाट नौजवानों के लिए जिंदगी के नुस्खे और ठगी के बाजार की शेर आदि इन्होंने किसानों के लिए बहुत ज्यादा कार्य किए गरीबों के लिए बहुत ज्यादा कार्य किए इसलिए इनको उन्नीस में सर की उपाधि से नवाजा गया उन्नीस में राय बहादुर का खिताब दिया गया और 1942 में लायलपुर जाट महासभा में इनको हबीबुल्ला की अध्यक्षता में रहबर ए आजम की उपाधि भी दी गई चौधरी छोटूराम के नाम पर हरियाणा में विश्वविद्यालय भी है और हरियाणा में विद्युत संयंत्र भी है जैसे हरियाणा के सोनीपत में एक छोटा सा शहर है मुरथल वहां पर दीन बंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय है जिसकी स्थापना उन्नीस में की गई और उसे 2006 के अंदर विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया अगर बात करें दीन बंधु छोटूराम ताप्य विद्युत संयंत्र की तो यह कोयला आधारित संयंत्र है जिसकी स्थापना 2008 में यमुनानगर में की गई और इनको सम्मान देने के लिए भारत सरकार के द्वारा उन्नीस में, में एक डाक टिकट भी जारी करवाया गया था और साथ ही साथ वर्तमान में बीजेपी सरकार के द्वारा रोहतक में इनकी बहुत बड़ी प्रतिमा का अनावरण करवाया गया है जो चौसठ फुट ऊंची है जो हरियाणा की सबसे ऊंची मूर्ति है और इसी मूर्ति का उद्घाटन अक्टूबर 2018 में मोदी जी के द्वारा किया गया तो आज हमने चौधरी छोटूराम की जीवनी पर चर्चा की है और इस जीवनी से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है जैसे हमें बातें कम काम ज्यादा करना चाहिए अगर हम सच्ची निष्ठा से सच्चे लगन से कार्य करते हैं तो हमें सफलता निश्चित ही प्राप्त होती है यह बात छोटू राम पर बिल्कुल सही लागू होती है तो आज हम चौधरी छोटू राम जी की इस जीवनी को यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद है आपसे कि आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो बहुत पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद